गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब सिंगल एंट्री के हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, एक बार स्टडी कर लेते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स केएस ट्रेडर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2014। बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ध्यान रखिएगा। सोर्स दे रखे हैं, एप्लीकेशन दे रखे हैं। तो यहाँ पर केएस ट्रेडर्स लिखा हुआ है और जो क्वेश्चन में दिया है वो शेयर कैपिटल वर्ड यूज़ किया गया है। तो शेयर कैपिटल का मतलब फिर ये कंपनी है, इसलिए मैं इसे लिमिटेड वर्ड यूज़ कर देता हूँ, थोड़ा क्लियर रहेगा। अ फायर ब्रोक आउट इन द प्रेमिसेस ऑन 31 मार्च 2015 एंड डिस्ट्रॉयड द बुक्स ऑफ अकाउंट। द अकाउंटेंट कुड हाउएवर प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सेल्स फॉर द मार्च 2014 वाज इतना, सेल्स फॉर द करेंट ईयर वाज 20% हायर देन दी लास्ट ईयर। ओके, 25% ऑफ द सेल वर मेड इन कैश एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट। ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 30%, डेटर्स हमारे 2 मंथ के हैं, क्रेडिटर्स हमारे 1 मंथ के हैं। ऑल क्रेडिटर्स आर पेड बाई चेक्स एंड क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन चेक्स ओनली। प्रिपेयर द बैंक पासबुक हैज द फॉलोइंग डिटेल्स अदर देन पेमेंट टू क्रेडिटर एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ये हमारी परचेज सेल्स की डिटेल्स दे रखे हैं। मशीनरी वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर, रेंट वॉज पेड फॉर 11 मंथ ओनली एंड 25% ऑफ द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिस रिलेट टू नेक्स्ट ईयर, यानी कि प्रीपेड। ट्रेवलिंग एक्सपेंसिस ऑफ ₹7,800 फॉर विच चेक्स वर इशूड वट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक्स। फर्नीचर, ये बैंक रिकन्सिलेशन की एंट्री है, इससे हमें हमारी बुक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्नीचर वॉज सोल्ड ऑन इतना एट अ लॉस ऑफ ₹1,000। फिजिकल वेरिफिकेशन एज ऑन 31 मार्च 2015 एसरटेन द स्टॉक पोजिशन एट ₹1,81,000 एंड पेटी कैश बैलेंस एट नील। देयर वॉज नो चेंज इन अनसिक्योर्ड लोन ड्यूरिंग द ईयर। ओके, डेप्रिशिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ इतना। अब हमसे पूछा है प्रिपेयर बैंक अकाउंट्स, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ मेयर्स एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, मेक नेसेसरी एजम्पशन वेयर एवर नेसेसरी। सो फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट बनाना है और ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट भी बनानी है। चूंकि ये लिमिटेड कंपनी है तो इसकी जो बैलेंस शीट बनेगी वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनेगी। इवन फाइनेंशियल अकाउंट भी ट्रेडिंग पीएल शेड्यूल 3 के हिसाब से बनते हैं, बट ठीक है, हम लोग अभी हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं जिससे कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, फॉर्मेट में इतना कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द 31 मार्च 2015। ठीक है, अब इसमें ये हमारे फेस पर बन जाएंगे। ठीक है, एक हम बैलेंस शीट बनाएंगे एज ऑन 31 मार्च 2015। इसके साथ क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट हमें दे रखी है, इसलिए वो बनाने की जरूरत नहीं है। अब हमें जो बनाना है वो बनाना है एक बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट बनाएंगे हम। क्वेश्चन में पूछा ही इन्होंने, ठीक है, इसके साथ कुछ हमें वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे, वो वर्किंग नोट मैं नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूँ। एक एक करके हम लोग उन कैलकुलेशंस को करते जाएंगे। जैसे क्वेश्चन में हमें दिया है, पढ़ें ध्यान से। पहला पॉइंट है सेल्स लास्ट ईयर की 18,60,000 है, ठीक है।
सो हमारे वर्किंग नोट्स रहेंगे, सेल्स फॉर लास्ट ईयर कितनी है, 18,60,000, ठीक है। तो अब मुझे करंट ईयर की सेल निकालनी है। क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है कि जो करंट ईयर की सेल है वो 20% ज़्यादा है। तो सेल्स फॉर करंट ईयर क्या होगी, 18,60,000 प्लस 20%, ये होगा 22,32,000। इसमें से कैश सेल आपकी 25% है और क्रेडिट सेल 75% है। तो क्रेडिट सेल आपकी हो गई, कैश सेल हो जाएगी 5,58,000 और क्रेडिट सेल हो जाएगी 16,74,000, ठीक है। क्वेश्चन में ही दिए हैं सारी चीज़ें। इसके बाद लिखा है डेटर हैं 2 मंथ के और क्रेडिटर हैं 1 मंथ के, ठीक है। तो अब डेटर्स अगर मैं 2 मंथ की बात करूं, दैट इज डेटर ऑन 31 मार्च 2015 क्या होंगे, इसकी 2 महीने की सेल के बराबर के पैसे मेरे अभी कलेक्ट करने बाकी हैं। तो दैट विल कम अमाउंट 2,79,000, ठीक है। चलिए अब हम क्रेडिटर्स की बात करेंगे। क्वेश्चन में दिया है थर्ड पॉइंट पर कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 30% है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 30% है, तो 30% ऑफ सेल होगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी, 70% ऑफ सेल। 70% ऑफ सेल करेंगे तो दैट इज 22,32,000 की सेल निकली थी, उसका 70% होगा 15,62,400, ठीक है। यस, अब क्वेश्चन में कहीं पर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, 10वें नंबर पॉइंट पे दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक है मेरा 1,81,000, ओपनिंग स्टॉक है कितना, बैलेंस शीट में दे रखा है 1,72,000। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू होता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो परचेज निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है मेरी 15,62,400 प्लस 1,81,000 माइनस 1,72,000, 15,71,400, ये हमारी परचेज हो गई टोटल। अब कैश परचेज के बारे में कुछ लिखा है कहीं पर भी, कहीं पर भी कैश परचेज के बारे में नहीं लिखा है। तो कैश परचेज हमारी निल है, तो इसका मतलब है कि क्रेडिट परचेज पूरी हो गई हमारी 15,71,400, ठीक है। ओके, क्रेडिटर का जो पीरियड है वो दे रखा है 1 मंथ, दैट इज क्लोजिंग जो क्रेडिटर का बैलेंस होगा वो कितना होगा, 15,71,400 इंटू 1/12,
तो 1/12 करेंगे जब क्रेडिटर्स का, तो ये आएगा 130,950। ठीक है, अब क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस आ गया, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ठीक है, अब इसके बेसिस पर हम बाकी वर्किंग कर लेंगे। आई होप सो कि आपको स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे सारे। यस, तो यहाँ पर हमारा एक बैंक अकाउंट बन जाएगा, इसके साथ एक डेटर अकाउंट बनेगा, एक क्रेडिट अकाउंट बनेगा। ठीक है, एक डेटर अकाउंट बनेगा, एक क्रेडिटर अकाउंट बनेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। डेटर्स की ओपनिंग बैलेंस दे रखी है बैलेंस शीट में। एक काम करते हैं, जो भी ओपनिंग्स हैं उन सब की एक वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा कहाँ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक जाएगा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, 1,72,000। ठीक है, इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल ही लिया हमने, मतलब क्वेश्चन में गिवन है 1,81,000। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा 1,81,000। परचेजेज हमने निकाली थी 15,71,400। सेल्स की बात करें तो हमारी कैश और क्रेडिट की सेल निकली थी अलग अलग, कैश की निकली थी 5,58,000 और क्रेडिट की थी 16,74,000। 22,32,000। ठीक है, 22,32,000। इसके बाद हमने बैंक अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो करेंगे। सो डेटर्स की ओपनिंग लिख दें, डेटर्स की ओपनिंग आपको ओपनिंग बैलेंस शीट से मिल जाएगी। डेटर्स हैं हमारे 2,29,600 के, ये देखिए ऊपर लिखी हुई है, और बैंक का बैलेंस है 12,800। ठीक है, कैश और बैंक का बैलेंस आपका 12,800। तो यहां पर ओपनिंग बैलेंस होगा 12,800, ओपनिंग बैलेंस होगा 2,29,600। ठीक है जी, अब डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस हमने निकाले थे, 2 मंथ के निकले थे ना हमारे, अगले वर्किंग नोट में कितना था हमारा, 2,79,000। क्रेडिट सेल भी निकाली थी 16,74,000। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो बैंक में आ जाएगी किस नाम से, कलेक्शन के नाम से। कितना आएगा, 16,24,600। तो ये डेटर्स का काम हमारा कंप्लीट हो गया। कैश सेल हमारी जो हुई थी वो सीधी यहीं आएगी, 5,58,000।
अब ऐसे ही हम ओपनिंग क्रेडिटर्स की बात करेंगे। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है, बैलेंस शीट से मिल जाएगा। ट्रेड पेबल का ओपनिंग बैलेंस हमारा 45,800, और क्रेडिटर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 130,950। जो क्रेडिट परचेज है वो हमने निकाली है, कितनी है क्रेडिट परचेज हमने निकाली, 15,71,400। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर करेंगे यह आएगा 14,86,250। ये क्या होगा बैंक, टोटल लिख लीजिए। उन्नीस लाख तीन हज़ार छः सौ और इसका होगा 16,17,200। सो यहाँ पे आ जाएगी पेमेंट टू क्रेडिटर 1,486,250। अब बाकी जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उनको देख लें। क्वेश्चन में लिखा है रेंट पे किया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पे किए हैं, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पे किए हैं। तो रेंट पे किया तो रेंट आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगी। मशीनरी हमने ली है 1,14,000 की, रेंट पे किया हमने 1,32,000, एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस जो पे किए हमने वो किए हैं 80,000। ठीक है, और देखिए क्या पे किया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं 78,400, और आपका रिपेयर जो है वो है 36,500। सेल ऑफ फर्नीचर हुई है 9,500। सेल ऑफ फर्नीचर 9,500। कैश विड्रॉ की है, किसके लिए कैश विड्रॉ की है, एक्सपेंसेस के लिए। तो एक तरह से ये पेटी एक्सपेंसेस भी हुए हैं। हाउ मच, कितनी विड्रॉ की है, 28,300। और इंटरेस्ट दिया है अनसिक्योर्ड लोन पे कितना, 8,750। ये हमारे बैंक के ट्रांजैक्शन हो गए। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि जो मशीनरी परचेज की है वो 1 अक्टूबर को की है, तो मशीनरी जो परचेज हुई है वो 1 अक्टूबर 2014 को हुई है। जो रेंट पे किया है वो हमने 11 महीने का पे किया है। इसके बाद इन्होंने बोला ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में 7,800 के चेक्स हैं जो क्लियर नहीं हुए, कोई बात नहीं। फर्नीचर हमने 1 अप्रैल को बेचा था, सेल हमने की है 1 अप्रैल 2014 में। आगे और कुछ नहीं है, एडवर्टीजमेंट में भी था, एडवर्टीजमेंट में 25% एक्सपेंसेस हमारे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। ये सब क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ठीक है, सो अब इनके जो इम्पैक्ट्स हैं उन्हें हमें लिखना है। तो सबसे तो पहले देखिए, बैलेंस शीट में इन्वेंट्री, फर्नीचर और
रिसीवेबल, ये हमारे अलग अलग अकाउंट्स में आ गए। मशीनरी और फर्नीचर नहीं आए हैं, तो मशीनरी और फर्नीचर हम इनर कॉलम में लिखेंगे। कितने कितने हैं? मशीनरी हमारी है 825,500 की, और ये 128,700 की। 825,500 और 128,700, ठीक है। यस, अब हम आगे बात करें। मशीनरी हमने खरीदी है कितने की? 114,000 की। तो हमने परचेज की है 114,000, तो टोटल मशीनरी हो गई मेरी 9,39,500। फर्नीचर थोड़ा मैं नीचे लिखता हूँ, इतने में होगा नहीं। यहाँ मैं फर्नीचर लिखता हूँ 128,700 का मैंने फर्नीचर। अब जो फर्नीचर बेचा है उसके लिए वर्किंग नोट बना लें। सेल वैल्यू ऑफ फर्नीचर वो हमारी है 9,500, और लॉस ऑन सेल हमें दे रखी है 2,900। तो जो बुक वैल्यू है बेचने की वो हमारी आई 12,400। तो बैलेंस शीट से जब माइनस करोगे आप तो 12,400 माइनस करोगे, ठीक है। यस, तो यहाँ से आप माइनस करेंगे, सेल हो रही है 12,400 की। अब ये बचा 116,300, ठीक है। यस, अब ये जितने भी खर्चे थे ना, इनको आप ट्रेडिंग पीएल में डालना है तो डाल दीजिए। जैसे आपने रेंट है 132,000 का, अब आपको पता ही है 11 मंथ का है, इसका मतलब है कि इसमें अभी एक मंथ का रेंट लगना है, तो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा वन मंथ का कितना? 12,000 रुपये। और ये आउटस्टैंडिंग रेंट आपकी लायबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद दूसरा एक्सपेंडिचर है आपका, रेंट के बाद है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट आपका 80,000 का है। क्वेश्चन में है कि ये जो प्रीपेड है ये 25% है, तो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट हम 20,000 यहाँ ले लेंगे। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और रिपेयर हैं, इनके बारे में कुछ नहीं लिखा है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मैं 78,400 और रिपेयर आपकी है 36,500। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा था कि जो पेटी एक्सपेंसेस के लिए पैसे विड्रॉ किए थे वो हमने 28,300 किए थे। आप कहोगे पूरे के पूरे आ जाएंगे। देखिए, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि हमारा जो पेटी कैश का बैलेंस था वो नील था, ये लिखा हुआ है, पेटी कैश का बैलेंस नील होने का मतलब क्या होता है कि आपने जो पैसा विड्रॉ किया था वो पूरा का पूरा खर्च आपका खर्चा हो गया, ठीक है। यस, अब आगे यहाँ पर आपका 10% अनसिक्योर्ड लोन है,
वो कितने का है? 1,75,000 का। तो जो इंटरेस्ट आएगा वो दिया है हमने 8,750। इसका मतलब है कि अभी हमारा इसमें ड्यू जो है, क्योंकि टोटल तो इंटरेस्ट 17,500 लोगे ना, इसका 10%, इसका मतलब ये होता है कि अभी 8,750 तो आपने पे कर दिए और 8,750 अभी ड्यू है, तो वो यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू के नाम से जोड़ दोगे और ये आएगा 1,83,750। ठीक है, अब आप देखिए कि आपने सारे लाइन आइटम कर दिए हैं, सिर्फ एक आप डेप्रिसिएशन वाला पार्ट बचा और कुछ नहीं। तो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन हमारा है 20% से, तो इस पे तो सीधा सीधा डेप 20% से बताइए कितना आता है। ये डेप्रिसिएशन आएगा 23,260। इसको माइनस कर दें, ये वैल्यू आएगी 93,040। ठीक है, यहाँ जो डेप्रिसिएशन है वो थोड़ा हमारा अलग आएगा। क्यों? क्योंकि हमने 1 अक्टूबर को खरीदी थी, तो इसके लिए हमें वर्किंग मोड पे जाना होगा। जो 1 अप्रैल 14 की बैलेंस है वो है 8,25,500 और जो 1 अक्टूबर 14 को परचेज की है वो कि हमने 1,14,000 की, तो इस पे 10% से आएगा 82,550 और इस पे 10% से 6 मंथ का 5,700। तो अगर देखें तो ये 250 हो जाएगा और ये हो जाएगा 88,250। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन यहाँ माइनस करेंगे हम 88,250 और 88,250 के बाद जो बैलेंस आएगा दैट विल बी 85,150। ठीक है, सो यहाँ डेप्रिसिएशन लिखें ऑन मशीनरी 88,250 और ऑन फर्नीचर 23,260। ठीक है फ्रेंड्स, बस अब क्या बच रहा है, डेटर्स का बैलेंस लिख दीजिए। डेटर्स का बैलेंस कितना आ रहा था हमारा? 2,79,000। क्रेडिटर का बैलेंस है 1,39,050। सॉरी 139 नहीं है, 130,950 है, 130,950 ये क्रेडिटर का बैलेंस हो गया। और कुछ है? नहीं। हाँ, एक लाइन आइटम हम मिस कर रहे हैं, बताओ क्या? लॉस ऑन सेल हुई थी जो, किसकी? फर्नीचर को बेचने से, वो नहीं लिखी थी हमने क्वेश्चन में, लिखी थी ना 2,900 रुपये का फर्नीचर, हमने 2,900 रुपये फर्नीचर के लॉस पे बेचा था। सो फ्रेंड्स, एक बार पूरा क्वेश्चन स्टडी कर लिया है आपने, सारे एडजस्टमेंट सब चीज़ डाल दी, बस अब इसको फाइनली सबमिट करना है। चलिए करते हैं। यह हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगी 10,00,000 रुपया और जो प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस था वो कितना था? प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस था 1,47,800। अब नेट प्रॉफिट
जो ड्यूरिंग द ईयर है वो जोड़ देंगे। चलिए करते हैं, टोटलिंग करेंगे। इसका टोटल आएगा 2413000, 2413000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन आएगा 669600। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 669600। तो ये आ जाएगा आपका 669600, 669600। तो नेट प्रॉफिट निकलेगा आपका, एक बार चेक कर लें सारी लाइन आइटम है कि नहीं। एक हम गलती कर दिए हैं, एक हम गलती करे हैं, बताओ क्या गलती करें, जो नॉर्मली होनी नहीं चाहिए थी मुझसे, बट हो गई। पढ़ो क्या लिखा है, ये लिखा है बैंक पासबुक। बैंक पासबुक का मतलब है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे इतने के तो पे कर दिए ना हमने, और जो नीचे लिखा है ये लिखा है कि इतने के एक्सपेंडिचर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का 7800 का चेक। ये देखो क्या लिखा है, हमने इशू कर दिया, यानी कि बैंक पासबुक में वो इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर ये अमाउंट बदल जाएगी, इसको मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ। समझ गए होंगे आप, 78400 के तो हम पे कर चुके हैं और 7800 के अभी अनपेड है। आ जाएगा 86200। तो यहां पर जो अनपेड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हैं वो आएंगे 7800। देखिए बैंक पासबुक के हिसाब से वो ये 78400 है जो चेक्स हमारे पास हो चुके हैं। तो इन्होंने ये बता दिया कि इतने का चेक अभी हमारा पेंडिंग है। जब उतने का चेक पेंडिंग है तो फिर बेसिकली वो फिगर और ऐड होगी हमारी, क्योंकि हमारा तो खर्चा हो गया। इस तरफ का जो नेट प्रॉफिट आएगा दैट विल बी 182690। तो यहाँ ऐड कर देंगे 182690। इसको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 330490। ठीक है, बस अब इसके बाद इसको बैलेंस शीट को मैच कर लो एक बार। तो ये जो टोटल आएगा ये आएगा 1657190, 8,50,181,279। ठीक है, प्रीपेड बैंक का बैलेंस रह गया इसके अंदर, क्योंकि बैंक का तो अभी हमने निकाला भी नहीं है ना, बैंक नहीं आई अभी हमारे पास। चलिए तो बैंक को बैलेंस करते हैं। बैंक का जो टोटल है इस तरफ का आ रहा है 12,800, तो ये टोटल आएगा 220490, 220490। इसका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो कितना होगा, 14,15,16,17,18,00। इसको टोटल करेंगे तो ये आएगा 232900। ठीक है, बस बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस लिख दीजिए 232900। इसके बाद इसका टोटल करिए तो ये यही आना चाहिए 1657190। सो फ्रेंड्स, आपने देखा थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, इस वजह से इसमें थोड़ी सी दिक्कत आई, बट आई होप कि अब आपको समझ में आएगा। ये बैलेंस शीट ये वाली नहीं चलेगी, ये ट्रेडिंग पीएल नहीं चलेगा,
ध्यान रखिएगा, आपको वर्टिकल फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, वो ज़्यादा अच्छा है। बट चूंकि मैं आपको इतने बेसिक कंसेप्ट पे लेके जा रहा था, इसलिए मैंने ऐसे बना दिए। अगर कभी भी प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ हो तो एटलीस्ट बैलेंस शीट आप शेड्यूल थ्री में बनाएं। मैं आपको अब बना के दिखा देता हूँ कि शेड्यूल थ्री की बैलेंस शीट बनेगी कैसे, ठीक है, सो दैट कि आपको पता रहे कि फॉर्मेट में कैसे बनेगी। ठीक है, एक मिनट और लूँगा मैं। आप लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015। शेड्यूल थ्री का मतलब है वर्टिकल फॉर्मेट में बनाना। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, उसमें नंबर वन पे शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी 10 लाख है, दूसरा होता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसमें आपका पीएनएल का बैलेंस था 1,47,800 प्लस नेट प्रॉफिट जो आपने अर्न किया था वो जोड़ दें, वो कितना है, नेट प्रॉफिट अर्न किया था आपने 1,82,690, तो ये आपका आएगा 330,490। इसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आप लिखेंगे अनसिक्योर्ड लोन कितना था इनका, 1,75,000 का। फिर आएंगी आपकी करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज में एक तो आपके ट्रेड पेबिल आ गए 1,30,950, एक आपका आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया, एक आपका आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ गए, और ये आपका एक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन आ गया। ठीक है, इसका टोटल करेंगे, यहाँ लिखेंगे और फिर ये बैलेंस शीट का टोटल कर देंगे, तो 1,30,000, 1,42,000, 1,49,000, 1,50,750, 1,58,750, 1,59,500। एक बार फिर से ट्राई करें, 900, 9, 8, 17, 17, अच्छा, इन्होंने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वाला जो पोर्शन है उसे इन्होंने बैंक में ही डाल दिया है। ओके, इन्होंने का चेक तो मैंने पूरे के इशू किए हैं ना, तो ये 86,200 कर दिया इसे, तो जब 86,200 कर देंगे तो फिर ये बैलेंस शीट में तो आउटस्टैंडिंग रहेगा ही नहीं, ये आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा फिर, क्योंकि हमने पूरे पे कर दिए। ठीक है ना, हमारी बुक्स में है, हम बैंक की बुक्स थोड़ी बना रहे हैं, तो ये नहीं आएगा, तो इसमें फिर ये कम हो जाएगा, तो दिस विल बी 7,800 कम कर दो इसमें से, तो ये आ जाएगा 1,51,700।
1657 190। मैं समझ रहा हूँ इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई आपको, सो आई विड रिक्वेस्ट कि इस सम को दोबारा पढ़ लीजिएगा एक बार। यहाँ पर एक आती नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स में आपकी एक तो मशीनरी आ जाएगी और एक आपका फर्नीचर आ जाएगा। मशीनरी आपकी कितनी थी? मशीनरी थी हमारी 825,500 की, इसमें परचेज हो गया था 114,000 और डेप्रिसिएशन हमने निकाला था 88,250। यह जाएगा 851,250। फर्नीचर हमारा था 128,700 का, सोल्ड कर दिया था हमने 12,400, तो बचा था 116,300। फिर हमने इसमें डेप्रिसिएशन लगाया था 23,260, तो 93,040। इसके बाद सेकंड आएगा इसमें करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारी क्या आएंगी? इन्वेंट्री 1,89,81,000, फिर है ट्रेड, ट्रेड रिसीवेबल 2,79,000 के, फिर आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस जो एडवर्टीजमेंट के थे 20,000 और बैंक बैलेंस 2,32,900। सो मैंने ये वर्टिकल फॉर्मेट में बना दी है। अगर आपने हॉरिजेंटल फॉर्मेट में बना रखी है ना, तो वर्टिकल फॉर्मेट में आप 2 मिनट में बना सकते हैं, लेकिन मैं एग्ज़ाम में रिकमेंड करूँगा कि पहले आप हॉरिजेंटल फॉर्मेट बना लें सो दैट आपकी टैली हो जाए डेबिट और क्रेडिट के कंसेप्ट से। वर्टिकल फॉर्मेट में फिर बना दीजिए, वर्किंग नोट में तो हम बना ही सकते हैं ना। सो आई थिंक ये क्वेश्चन पूरा क्लियर है। इसमें जो मेन चीज़ थी वो ये वर्किंग नोट था, इससे सारी क्वेश्चंस क्लियर हुआ। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को पूरा थोरो देख लीजिएगा, पूरे कंसेप्ट क्लियर होंगे। थैंक यू।